बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मुस्कान फ्रॉम शीशमबाग फतेहगढ़ फरुखाबाद यूपी। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर से। ए कैपिटल ए इज़ ए नॉन ज़ीरो कॉलम एंड कैपिटल वी ए नॉन ज़ीरो रो मैट्रिक्स, सो दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू वन। यानी दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उसकी रैंक में प्रूव करना वन के इक्वल है। जबकि बताया गया है कैपिटल ए एक नॉन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमने मान लिया कि कैपिटल ए जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो एक कॉलम होगा। इसमें एलिमेंट हम लिख सकते हैं ए वन वन, ए टू वन सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है और एक ही कॉलम है। इसी तरीके से और आगे भी ए एम एन, माना कि इसमें एम रो हैं तो एम वन हो जाएगा क्योंकि एक ही कॉलम है, और ये यानी एम बाई वन ऑर्डर का है। एम इसमें रो हैं और एक ही कॉलम है, और कम से कम इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि एक ए जो है वह नॉन ज़ीरो एक हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरीके से बी के बारे में लिख दें कि बी एक रो मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट हम लिख रहे हैं बी के, तो इसमें लिखेंगे तो वी वन वन बी वन टू। रो चूँकि एक ही है तो ये शुरुआत वाला वन ही रहेगा, फर्स्ट कॉलम वन आ गया, सेकंड कॉलम टू आ गया, थर्ड कॉलम, इसी तरीके से आगे भी वी वन एन, यानी nth कॉलम है तो n आ गया, लेकिन रो फर्स्ट है तो वन बाई एन ऑर्डर की ये एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हम चूँकि रैंक निकालना है ए बी के प्रोडक्ट की, तो ए बी प्रोडक्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी का प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे तो हम ए बी के प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को लिखेंगे, यानी मैट्रिक्स ए को लिखेंगे ए वन वन ए टू वन एंड सो ऑन ए एम वन, और इसका प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर वी वन वन वी वन टू एंड सो ऑन वी वन एन। तो ये मैट्रिक्स जो की थी एम बाई वन ऑर्डर की, और ये वी मैट्रिक्स थी वन बाई एन ऑर्डर की, और दोनों में ये चीज़ देख रहे हैं कि कॉमन है इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन जो मैट्रिक्स मिलेगी ए बी उसको वो ऑर्डर जो होगा एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, यानी एम इसमें होंगे रो और एन होंगे कॉलम। तो ये मिलेगी तब जब हम इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे, यानी ए वन वन बी वन टू। फर्स्ट रो है एक ही एलिमेंट है इसमें, इसका इसमें करेंगे इसी तरीके से और एलिमेंट मिलेंगे, जब इस फर्स्ट रो का लास्ट वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो लास्ट कॉलम मिलेगा हमें ए वन वन और बी वन एन। तो इसी तरीके से अब हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए टू वन बी वन वन। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे, मींस यहाँ लिखेंगे, उसकी वैल्यू है ए टू वन और बी वन टू। इसी तरीके से और आगे भी जब इसका इंटू लास्ट में करेंगे, यानी सेकेंड रो का लास्ट के कॉलम में इंटू करेंगे तो सेकंड रो और लास्ट के कॉलम में लिखेंगे, यानी एंड कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से और भी जो भी एलिमेंट होंगे एंड सो ऑन, तो यहाँ पर ये लिख दिए जाएंगे। जब लास्ट का रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू होगा तो लास्ट रो में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, तो इसका इंटू इसमें होगा तो ए एम वन और वी वी वन वन, लास्ट रो और सेकंड कॉलम तो लास्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे ए एम वन और वी वन टू, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब लास्ट रो और लास्ट कॉलम की बात आएगी तो इसको लास्ट रो और लास्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी ए एम वन और वी वन एन में लिखेंगे। ये एम बाई एन ऑर्डर की एक हमें मैट्रिक्स मिलेगी, और इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर
देखेंगे कम से कम यहाँ पर एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, ए का भी और बी का भी, तो इनके प्रोडक्ट जो आएंगे जो ज़ीरो नहीं है उनमें कम से कम एक एलिमेंट जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर की जो हमारी जो माइनर है वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, तो इसमें सेकेंड ऑर्डर के माइनर ले लेते हैं, कोई भी ले लें, जैसे बाकी सबको डिलीट कर दें, इन दोनों को रखें, तो सेकंड ऑर्डर के जो माइनर है वो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, सेकंड ऑर्डर के जो माइनर है A11 B11, और ये दिखाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम लिख देंगे, एक एग्जांपल लेके हम दिखा दे रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का कोई भी माइनर उठा के हम दिखा दे रहे हैं कि ये जो होगा वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। और ना सिर्फ एक ये है बल्कि जितने भी सेकंड ऑर्डर के माइनर होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो ज़ीरो के बराबर होंगे, और ज़ीरो के बराबर होने की वजह से इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी, क्योंकि इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, A11 B11 और A21 B12, इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो वे मिलेगी A11, और इसका इंटू इसमें कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं, पहले लिख दें B11, इसका इंटू इसमें कर रहे हैं तो A21, और ये पहले से छूटा हुआ है उसको लिख दें यहाँ पर ये बी होगा, यहाँ पर B12 होगा, B12, तो देखें दोनों सेम है, कैंसिल होके ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ गई, और एक्सेट्रा लिख देंगे इसी तरीके से, यानी क्लियरली एवरी, ना सिर्फ ये बल्कि जितने भी हैं, एवरी माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ ए बी हमने निकाला था ये मैट्रिक्स, उसके माइनर देखें सेकंड ऑर्डर के वो क्या हो जा रहे हैं, ए बी वैनिसेस मतलब ज़ीरो हो जा रहे हैं सारे के सारे, इसलिए सो दैट इस रैंक ऑफ ए बी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये दो तो नहीं हो सकती, यानी दो से कम होगी। अब दो से कम कितनी होगी, तो वो हम लोग जानते हैं कि तो ज़ीरो होगी या वन होगी, तो ज़ीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं, जैसे पता दिया गया था ऊपर ही, ए जो है वो एक नॉन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स है, बी एक नॉन ज़ीरो रो मैट्रिक्स है, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट जो होगा इनका और इनका ज़ीरो नहीं होगा, कम से कम एक, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, और जब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो कोई एक एलिमेंट जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, और अगर एक भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं तो सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होगी, तो रैंक ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए क्लियरली इसकी जो रैंक होगी वो वन के बराबर होगी, तो ना ही वन से ग्रेटर है, ये तो हमने यहाँ से कह दिया, दो से कम है तो एक ही होगी, और इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रैंक, चूँकि रैंक ऑफ ए बी के बारे में बता दिए कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, बिकॉज सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, बिकॉज एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जो ऐसा है, एट लीस्ट वन एलिमेंट इज़ नॉट ज़ीरो, देयरफॉर हम कह सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी जो है वो वन के इक्वल है, ये मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाकरु दामन, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।